सभी का स्वागत है भाई आज के इस धमाकेदार वीडियो में। और आज का जो वीडियो है बहुत कतई वाला इंपॉर्टेंट, मतलब कतई में क्या कतई कतई कर रहा हूँ, जो भी भाई बोलो यार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। यहाँ पर ये जो भाई क्वेश्चन होने वाला है भाई, एक ऐसा क्वेश्चन होने वाला है जो कि भाई आपको ऑलमोस्ट पॉलिनोमियल्स से हर एक क्वेश्चन में आपका इस तरीके का होता है जो कि आप लोगों को समझ नहीं आता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा यार अपने एग्जाम में, यार आप मैक्सिमम हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को जो है बना लेते हो, बट पॉलिनोमियल्स कैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना दिमाग में, दिमाग खराब करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसका ही एक एग्जांपल मैं आज लेने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली यार मैं आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा के देने वाला हूँ जहाँ से आप लोग जो है उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये क्वेश्चन होने वाला अपना आर डी शर्मा से। यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ ये 2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो समझ लेना बेसिकली क्या है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मान के चलो कि यार इसके आने के 98% जो है वो चांसेस है। ठीक है, अपने किसी भी एग्जाम में, बोर्ड्स हो, प्री बोर्ड्स हो, इसमें भी आ सकता है, क्योंकि यार ये क्वेश्चन भाई मैंने देखा है हर एक पेपर में देखने को मिला मुझे। ठीक है, हर एक पेपर में मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जो है देखने को मिल गए, तो ये क्वेश्चन तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। तो यार फटाफट से इस वीडियो में इस क्वेश्चन को करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि अपना जो ये जो क्वेश्चन है उसमें है क्या बेसिकली, आपको मान लो दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको दिया हुआ क्या, गिवन में लिख रहा हूँ, गिवन, ठीक है, ये गिवन लिख रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन समझो पहले तो। ठीक है, क्या लिखा हुआ आपको बोला है कि एक जीरो आपका जो है वो -1 है, मान लेते हैं आपका एक जीरो जो है वो -1 है और दूसरा जीरो जो है वो आपका 2 है, प्लस का 2। ठीक है, तब आपको क्या करना है, आपको पहला बात तो देखो यार आपको एक पूरा पूरी पॉलिनोमियल बनाना है और आपको प्रूफ करना है कि उसके जीरो जो है वो यही है। ठीक है, प्रूफ करने के साथ साथ में यार आपको जो है वेरीफाई भी करना है। तो अगर आप वेरीफाई, प्रूफ और ये सब कुछ करोगे तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो जाता है। हालांकि हम लोग टोटल चीज़ यहाँ पर कोई करने वाले नहीं है भाई, क्योंकि यार आपको पता है वेरीफाई करना आसान होता है, आप लोग वो खुद से कर लोगे, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन जो भरे हुए हैं। बट यहाँ पर भाई वेरीफाई करने के साथ साथ आपको जो है वो प्रूफ करना, वो भाई थोड़ा नया कॉन्सेप्ट हो जाता है जो कि आपको प्री बोर्ड्स में डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। भाई यहाँ पर भाई प्रूफ करने का मतलब यही नहीं है, वो प्रूफ करना है वो अलग तरीके से देखने को मिलता है, मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर मान लो आपको दिया हुआ है कि एक जीरो जो है वो -1 है, एक जीरो जो है वो 2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट अल्फा को हम लोग मान लेते हैं -1 एंड बीटा को जो है मान लेते हैं 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर इसको समझ लोगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पहला बात तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक हम लोगों को पॉलिनोमियल्स को बनाना पड़ेगा अपना। हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो यहाँ पर फॉर्मूला अपना होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा या प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस प्लस, यहाँ पर एक्स लग जाएगा, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये अपना जनरलाइज फॉर्मूला होता है जो कि आपको अपने मतलब आर डी शर्मा नहीं, मतलब देखने को मिल जाता है इसी फॉर्म में आपका जितना भी पॉलिनोमियल्स है वो रहते हैं। और अगर आपको कोई जीरोस दिए हुए तब इस तरीके से उसको जो है वो पुट करके अपना पॉलिनोमियल जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अपना ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको जो है वो गिवन है, आपको क्या करना है सिंपली आपको यहाँ पर जो है वो इसको भरना है बस। यहाँ पर जैसे यहाँ भरोगे अपना पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा, वहाँ से जीरोस फाइंड कर सकते हो। वैसे जीरो हम लोग को फाइंड करने का जरूरत नहीं, जीरो दिया बट हम लोग को प्रूफ करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करते हैं भरना, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ जीरोस करेंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मैं यहीं पर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोगों का जो जो चीज़ है वो आराम से जो बच जाए। तो अल्फा प्लस में बीटा कर करूँ तो यहाँ पर अल्फा क्या है -1 है, प्लस 2 करोगे तो अल्फा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, रफ वर्क है ये, रफ वर्क, तो -1 प्लस 2 करोगे तो यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा बीटा करोगे -1 × 2 तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 भर देंगे, यहाँ पर x प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे -2 भर देंगे, तो फाइनली हमारा जो पॉलिनोमियल है वो बन कर आ जाएगा x square है ये, ठीक है, माइनस में x, क्योंकि यार 1 लिखो या x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2। ठीक है, ये अपना जो अपना चीज है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है, बनकर यही अपना जो है पॉलिनोमियल है जो कि हम लोग बनाते हैं। तो पहला पार्ट हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, सॉल्व कर दिया, आप बोल सकते हो 1 मार्क के लिए। ठीक है, आप समझे नहीं होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे आप लोगों को बोला गया है एक जीरो -1 है, दूसरा 0 2 है, तो आपको पहला बात तो एक पॉलिनोमियल बनाना है और आपको प्रूफ करना है कि उसके जीरो जो है वो -1 और 2 ही है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो अपना दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला पार्ट तो यही जो चीज़ है वो आपको समझना होगा, मैंने बना दिया। दूसरा पार्ट नाउ लिख के हम लोग करेंगे, ऐसे भाई प्रूफ करने का पार्ट जनरली आता नहीं, जैसे मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, इन केस अगर ये आ जाए तो क्या होगा।
तो यहाँ पर आप मान लो कि एक्स स्क्वायर लोगे माइनस एक्स लोगे माइनस टू लोगे, तो x और 2 को करोगे तो 2 ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 है 2 है और यहाँ नीचे में 1 आना 2 को ही रहेंगे हम लोग सिंपल से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लोगों को प्रोडक्ट 2 चाहिए, सम जो है माइनस 1 चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस 2 प्लस 1 कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में x माइनस में 2, ठीक है। तो यहाँ पर x मैं कॉमन ले लूँगा, x माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है। तो x प्लस 1 अपना 0 हो गया, x माइनस 2 अपना 0 हो गया। देयरफॉर अब यहाँ पर अगर जीरोज निकाले हम लोग, ठीक है जीरोज निकाल रहे, ठीक है। पहला बात तो मैं x प्लस 1 के लिए निकाल रहा हूँ इस साइड में और x माइनस 2 के लिए निकाल रहा हूँ इस साइड में, तो x कितना हो जाएगा अपना माइनस 1 हो जाएगा जो कि अल्फा हो जाएगा, और इधर पे x कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा जो कि बीटा हो जाएगा। इधर पे भी आप देख सकते हो यहाँ पर बीटा 2 है, इधर भी बीटा 2 है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 1 है। तो सिंपली आप लिख सकते हो नीचे में हैंस प्रूफ, यहाँ पर देखो मुझे जरूरत नहीं लिखने का। अब देखो भाई यहाँ तक हम लोग अगर कर लेते तो हम लोग को 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, बट कभी कभी होता क्या है कि आपको बोल देते हैं कि आप रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, तो सॉरी मैंने 5 मार्क्स बोल दिया स्टार्टिंग में, 3 मार्क्स के लिए होता है क्वेश्चन। तो अगर आपको वेरीफाई करने बोले तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा करना जो कि माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, माइनस बी बाई आप यहाँ से लेना, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से लेना, उसके बाद सी बाई ए करना जो कि माइनस सॉरी सी बाई ए के बराबर हो गया, तो यहाँ पे आपका जो है वो अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा। सिंपली आपको जो दिखाना है कि वो इक्वल है और इस तरीके से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो समझ आ गया होगा, इस वीडियो को एकदम भी हल्के मत लेना क्योंकि यार पॉलीनोमियल से भाई सम जो है वो एडिशन से ही आते हैं और एडिशन से जब आते हैं तो भाई हालत खराब हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो भाई, क्या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, बाकी इस क्वेश्चन को कर लेना ताकि यार आप लोग जो है वो पॉलीनोमियल से क्वेश्चंस वगैरह कर सको। भाई हो क्या आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और सभी लोगों को जय भारत।